नमस्कार, लाइव सेवन के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे किस तरह बस संचालक की गुंडागर्दी देखी गई है। रांची के बुंडू में एक बस संचालक की गुंडागर्दी सामने आई है। रांची बुंडू मार्ग पर अमन बस के संचालक पर एक यात्री के साथ लात घूसों से पिटाई कर बस से उतारने का आरोप है। यात्री से मारपीट और बस से नीचे उतारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस स्टाफ यात्री के साथ किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं और बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर आप झारखंड के निवासी हैं या किसी और राज्य के निवासी, तो झारखंड में निजी बसों के सफर के दौरान सावधान रहिए, क्योंकि बसों में आपकी कभी भी कुटाई हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, इस कुटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रांची के बुंडू की बताई जा रही है, जिसमें एक यात्री की 20 रुपए नहीं देने पर बस संचालक ने अपने तरीके से खातिरदारी की, जैसा कि अक्सर होता है। वीडियो अमन बस का बताया जा रहा है, जिसमें एक यात्री सफर कर रहा था, लेकिन किसी कारण से यात्री ने बस कंडक्टर को 20 रुपए नहीं दिए, जिसके बाद बस संचालक ने यात्री की लात घूसों से खातिरदारी की और बस से उतार दिया। इस वीडियो की सत्यता क्या है, ये जांच का विषय है। लाइव सेवन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चूंकि अब यह वीडियो वायरल हो रहा है, तो प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस घटना की जांच के बाद बस का लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। नहीं, जहाँ तक आपने जो दिखाया मुझे वीडियो, मैंने अभी देखा उसको, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति और दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, मारपीट कर रहा है, जो कि वीडियो में खासकर दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, तो व्यक्ति कौन है। कंसर्न थाने को इस पर देखना चाहिए किस पर मारपीट की जा रही है, किस रीजन से की जा रही है। उसके बाद अगर बस संचालक के द्वारा कुछ इस तरह की कार्रवाई है, तो RTA से उसके परमिट के संबंध में और बाकी जो रूट में इस तरह के आए दिन घटनाएँ होती है, वो ना हो, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। बस संचालक कोई भी हो, अगर किसी सवारी है तो सवारी को यात्रा करने का राइट है। अगर वो किराया नहीं देना चाहता और ये नहीं दिया हो, किसी तरह के विवाद की बात है, तो वो स्वेच्छा से उसको नहीं जाने के लिए कह सकता है। लेकिन मारपीट की नौबत तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी हमारे सिविल सोसाइटी में किसी को भी राइट्स नहीं किसी को मारपीट करे, तो कंसर्न थाने को ये देखना चाहिए उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड और बिहार में परिवहन व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार परिवहन व्यवस्था निजी बस संचालकों के हवाले कर चुकी है और निजी बस संचालकों की मनमानी लगातार जारी है। बसों में सीटों और किराए के लिए अक्सर झगड़े की बात सामने आती रहती है। निजी बस संचालक मनमानी तरीके से किराया वसूलते हैं, जिसको लेकर सवारियों से झड़प आम बात है। ताजा घटना इसी का उदाहरण है। मारपीट के वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई है। ग्रामीण SP ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। कल ही मेरे संज्ञान में ये बात आई कि इस तरह का बस में इस तरह का मारपीट की घटना हुई है, तो कल ही मैंने बुंडू इंस्पेक्टर और नामकुम इंस्पेक्टर को इसकी जांच करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिनके साथ मारपीट हुई है, और पहले तो जांच हो जाए कि किस बात पे ऐसे मारपीट हुई है, और अगर जिनके साथ मारपीट हुई केस करना चाहेंगे तो लोग केस रजिस्टर करते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस वीडियो की जांच के बाद पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग क्या एक्शन लेता है। लेकिन इतना तो तय है कि निजी बसों के स्टाफ की मनमानी से यात्रियों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्या पैसे कमाने के धुन में इन बस संचालकों की संवेदनाएं मर गई हैं, जो एक यात्री के साथ मारपीट पर उतर आते हैं? ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की जरूरत है। बस संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जिससे किसी भी बस संचालक को यात्रियों के साथ ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। रांची से लाइव सेवन के लिए काजल मेहता की रिपोर्ट। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाए कि किस तरह बस संचालक की ओर से एक यात्री को पीटा जा रहा है, उसकी पिटाई की जा रही है। महज सिर्फ जैसे कि बातें सामने आई है कि 20 रुपया अगर वो यात्री कम दिया, उसको लेकर लगातार मारपीट की गई और जबरन खींचकर उसे उतारा गया, बस से उतारा गया। ये
मामला जो है बुंडू और रांची के बीच की है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो यात्री कौन है, उसकी पूरी जांच की जा रही है और सारे बातों को भी सामने रखा गया है कि किसी भी प्रकार से मारपीट नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास से कभी कभी देखिए कई बातें होती हैं कि अगर आप बस से जा रहे हैं और आपके पास कम पैसे हैं तो कुछ बातें होती हैं कि उसके बाद बस स्टाफ भी रहम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आई है पूरी तरह से गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखाए वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं संवाददाता काजल जुड़ी हैं और फोन लाइन से भी बात करेंगे, बुंडू संवाददाता जितेंद्र से बात करेंगे। न्यूज रूम से काजल जुड़ी हैं। काजल, जिस तरह से वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि यात्री अगर पैसे कम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस स्टाफ मिलकर उसकी पिटाई करेंगे और उसे बीच रास्ते में उतार देंगे। ये तो पूरी तरह से बेरहमी की बात हो गई, मारपीट की बात हो गई, पूरी तरह से इंसानियत खत्म नजर आया। जी अनिल, बेशक ये जिस तरीके से वीडियो हमने देखा सामने आया, लोग इसे देख रहे हैं और लगातार लोग इस पे अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए तो जितनी बेरहमी से पीटा गया है उस यात्री को, हालांकि अब तक यात्री की पहचान नहीं हो पाई है, यात्री ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन जिस तरीके से मानवता को शर्मसार कहने का जो ये शब्द है वो मैं बेशक इस घटना के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिस तरीके से अनिल आपने बताया कि अगर यात्री के पास 10-20 रुपए कम थे तो क्या वो कंडक्टर, वो संचालक मैनेज नहीं कर सकता था? बेशक वो मैनेज कर सकता था, लेकिन इस तरीके से मारपीट करना, अमर्यादित तरीके से किसी यात्री को इस तरीके से दुख देना और इस तरीके से मारने के बाद उसे बस से उतार देना, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। चूँकि हमने बातचीत की थी ग्रामीण SP मनीष टोप्पो से भी हमने बातचीत की और साथ ही साथ DTO प्रवीण प्रकाश जी से भी हमने बातचीत की। इनसे बात करने के बाद ये चीज सामने आया कि आप, अगर हम नियमों की बात करें और कानून की बात करें तो एक तरफ से कानून की नजर से कानून का उल्लंघन हुआ है, वहीं आपकी जो भी बातें थी आप मौखिक तौर पे कर सकते थे, यूं हाथ उठाना, हिंसक तरीके से मारपीट करना, ये कहीं से भी वाजिब नहीं था। और अगर बात करें वहां पे बाकी लोगों की तो वीडियो में पीछे से बाकी यात्रियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मामला इतना ज्यादा वहां बढ़ चुका था, गहमागहमी का माहौल ऐसा हो गया था कि बाकी यात्री वहां पे मजबूर हो गए ये बोलने पे कि रुक जाइए और छोड़ दीजिए। जिस तरीके से पैर मोड़ा गया यात्री का, जिस तरीके से मारा गया, ये घटना अभी जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से ये घटना बुंडू से रांची के बीच में पड़ने वाला जो रास्ता है वहां पे हुआ है। चूंकि अब तक की जो बातें हैं वो नामकुम थाने तक में रुकी हुई है, अब ये जो सारा का सारा मामला है ग्रामीण SP के अनुसार सारे मामले की जाँच चल रही है। चूंकि ये वीडियो हमारे पास आया, हमने इस वीडियो की पुष्टि ग्रामीण SP DTO ऑफिस में दोनों जगहों पे करवाया, DTO ऑफिसर से करवाया, इन दोनों जगहों से हमें ये सुनने को मिला कि इस मामले पे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला एक जगह पे जो अटक रहा है वो ये है कि अब तक जो यात्री है, जो पीड़ित हम उसे कह सकते हैं, अब तक उसने किसी तरह का कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया, अपने नज़दीकी थाना में भी शिकायत नहीं दर्ज करवाया और इसीलिए ये मामला कहीं ना कहीं रुका हुआ है। बात करें ग्रामीण SP और DTO ऑफिसर की, तो दोनों के हिसाब से, दोनों के अनुसार इस मामले की जांच की जा रही है, लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो व्यक्ति था कौन जिसके साथ यूं मारपीट की गई। साथ ही साथ अनिल, अब हम बस पे पहुंचते हैं, ये बस है अमन और ये बस जमशेदपुर टू रांची चलती है और ये रोजाना आना जाना इसका है, लेकिन अमन बस के जो मालिक हैं या फिर जो भी है, अब तक इन लोगों ने किसी तरह की कोई भी बातें सामने नहीं लाई है। एक यात्री को बुरे तरीके से पीटा जाता है, उसे बस से उतार दिया जाता है, लेकिन अमन बस के जो मालिक है वो चुप्पी साधे बैठे हुए रहते हैं। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो प्रशासन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है, हालांकि अब तक प्रशासन को भी इस बात की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि आखिर वो व्यक्ति था कौन और बस चालक पे किसी तरह की कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। अनिल देखिए काजल, बस जमशेदपुर से रांची और रांची से जमशेदपुर की ओर रवाना होती है, इस बीच कई ऐसे यात्री हैं जो बुंडू से चढ़ते हैं, तमार से चढ़ते हैं रांची पहुंचने के लिए, और जिस तरह से तस्वीरें आई हैं यात्री के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया,
ये बिल्कुल ही गलत लगता है। पुलिस अधिकारी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बस ऑनर, जो बस के संचालक है, बस चलाते हैं, उसे इतनी जो स्टाफ रखते हैं उस स्टाफ को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि यात्री आपके बस में सवार हो रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है वो एक कमाई कहा जाए, उस यात्री के साथ जो यात्री हैं शामिल हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं, वो उसका एक कमाई कहा जाए, बस संचालक का है। और एक यात्री के साथ इस तरह से मारपीट करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। तो क्या काजल, कब तक ये कार्रवाई आपको लगता है कि पुलिस की ओर से की जाएगी, क्योंकि ये मामला तो गंभीर है। जी अनिल, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द उस यात्री को इंसाफ मिले, क्योंकि आज अगर इस घटना पे आवाज ना उठाया गया तो कल कोई भी हो सकता है। अनिल, हम भी यात्री हैं, आप भी यात्री हैं, कभी ना कभी हमें भी ज़रूरत पड़ती है बसों में सफ़र करने की, लेकिन अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों को ज़रूरत है कि वो आवाज़ उठाए। अब ये देखने वाली ही बात होगी, फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक कार्रवाई करेगी, क्योंकि बस राजधानी में है। अब माफ़ कीजिएगा, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बस रोज़ाना जमशेदपुर टू रांची और रांची टू जमशेदपुर जाती है, तो बस तो इसी इलाके में हो सकती है। अब प्रशासन और पुलिस जल्द से जल्द अगर इस पे कार्रवाई करे, चूंकि हम ग्रामीण एसपी की बात करें या फिर नामकुम थाना प्रभारी की बात करें, तो दोनों के अनुसार इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और इस पे कार्रवाई की जा रही है, जो जरूरी कार्रवाई है उस पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब तक इस मामले पे किसी तरह की कोई भी चीज़ जिसे हम कहें कि हाँ उस यात्री को इंसाफ दिलाने वाली चीज़ है, वो अब तक नहीं मिली है। अब ये हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि रांची पुलिस जो अपनी बातें कह रही हैं उस पे कितना मुकम्मल होती है, कितना कायम रहती है और उस यात्री का पता निकालती है, उसे इंसाफ दिलाती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बस के जो संचालक हैं इतनी बुरी तरीके से जो मारपीट की है उस पे किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है। चूंकि अनिल, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से राजधानी की ही बात नहीं है, ये किसी भी बस की बात अगर की जाए, ये तो हुई, हमने सिर्फ एक नमूना देखा है, हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी है बस में यात्री के साथ इस तरीके से अमर्यादित और अमानवता का जो उदाहरण हमने सिर्फ छोटा सा देखा है। अगर हम रोज़ाना की बात करें, हम सिटी बस की बात कर लें या फिर रांची टू हज़ारीबाग की बात कर लें या फिर किसी अन्य जगह की बात कर लें, बसों में यात्रियों के साथ काफ़ी बुरे तरीके से व्यवहार किया जाता है। जो कंडक्टर होते हैं वो जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, या तो 10 रुपये की बात कर लीजिए या मनमाने तरीके से, आए दिन हम ये खबरें देखते हैं कि मनमाने तरीके से पैसे वसूले गए। कई लोग आवाज़ उठा पाते हैं और कई लोग अकेले होने के कारण आवाज़ को ऊंचा नहीं कर पाते। लेकिन ज़रूरी है अनिल कि इन सारे मामलों पर जो है, अगर आज अमन बस पे या फिर अमन बस के उस संचालक पे कार्रवाई नहीं की जाती है, कड़ा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कल सभी कंडक्टर, सभी बस संचालक, हम जैसे यात्रियों के ऊपर इसी तरीके से जो अमर्यादित हरकत है ये करते रहेंगे। ये संज्ञान लेने वाली बात है, सिर्फ रांची प्रशासन को नहीं बल्कि डीटीओ को भी ज़रूरत है। डीटीओ ऑफिसर्स की बात कर लूँ मैं या फिर रांची राजधानी प्रशासन की या फिर किसी भी ज़िले की प्रशासन की बात कर लूँ मैं, तो उन्हें ज़रूरत है कि ऐसे जगहों पे, ऐसे बसों में जिस तरीके से किया जाता है, इन हरकतों पे ठहराव लाए। क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा किस्सा है अनिल, कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं खुद हज़ारीबाग से रांची से हज़ारीबाग जा रही थी, उस वक्त मेरे साथ भी इस तरीके का जो वारदात है घटा। मैंने कहा कि भैया जब 150 रुपये भाड़ा है नन एसी का, तो आप 170 रुपये कैसे ले सकते, उस वक्त चूंकि 150 रुपये ही फेयर था। लेकिन कंडक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी, वो मुझसे बहस करता गया, मैं लगातार उससे कहती रही कि मैं एक महिला हूँ, कम से कम इस बात का लिहाज कीजिए, लेकिन उन्होंने एक ज़रा भी लिहाज नहीं किया। और राजधानी से कुछ दूरी पे जा करके बहस करके, अगर मैं वहाँ पे मर्द होती तो वो मुझ पे हाथ उठा देते, हालांकि उन्होंने सिर्फ गाली और नॉर्मल अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उस दिन अगर मेरी जगह कोई मर्द होता तो उस पे शायद हाथ वो कंडक्टर उठा चुका होता। इस तरीके के जो घटनाएं हैं वो होती रहती है आए दिन। मैंने भी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि मैंने सोचा एक आम सी चीज़ है, लेकिन आज इस घटना को देखने के बाद मैं भी सहम गई कि थैंक गॉड कि उस दिन मेरी जगह कोई मर्द नहीं था। तो अनिल जी, बात जारी रखेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं बुंडू से संवाददाता जीतन जुड़ चुके हैं। जीतन, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं
उसमें एक यात्री को जिस तरह से पिटाई की जा रही है वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बस में यात्रियों के साथ व्यवहार किया जाता है और जिस तरह से पिटाई की गई है अक्सर ये होता है। और लेकिन देखिए कि जो यात्री उस बस में सवार है वो किस तरह से दहशत में है वो भी तस्वीरें आप देख दिख रहा है कि अगल बगल जो बैठे हुए हैं हालांकि इस मामले को समझ नहीं पाए हैं या कुछ और बात है, लेकिन दहशत में यात्री तो आ गए हैं कि गुंडागर्दी बस वालों की किस तरह से होती है। जी बताइए। जी जितेंद्र जी, ये सही बात है। जो एक यात्री के साथ बस भाड़ा को लेकर इस तरह घिनौना अपराध हुआ कि उस ड्राइवर ने किस तरह बेरहमी से उसको पीटा गया सिर्फ कम भाड़ा देने के कारण। हो सकता है उसके पास पैसा ना हो सकता है कि भाड़ा वो ज्यादा बोल रहा था इसी का कारण नहीं दे पाया, कम भाड़ा दे रहा था उसी कारण। देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस तरह इसको पीटता भी है, उसके बाद खींच के निकालता भी है और ड्राइवर का सीट में जाके कोई हाथ में एक चाहे डंडा हो लोहा हो लेके उससे बेरहमी से पीटता है। तो ऐसे स्थिति में हर गाड़ी के लिए, हर बस के लिए, सवारियों के लिए सुरक्षा का व्यवस्था पर बात उठती है। जो यात्री चलते हैं कि हम बस में जाएंगे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे। कई कई बार रांची से यदि चलते हैं गाड़ी जमशेदपुर के लिए कि फैमिली को बिठा दिया, वो जमशेदपुर उतरेंगे या बुंडू उतरेंगे, बीच रास्ते में यदि ड्राइवर ऐसे करे और खलासी ऐसे करे, बेरहमी से पीटा जाए, तो अपराधी में और इन लोगों में क्या अंतर है। इसी को देखते हुए जो पैसा यदि किसी के पास नहीं है भाड़ा देने के लिए उसको भी अच्छे तरीका से व्यवहार करना चाहिए। जो सही भाड़ा दे उसके साथ साथ हो सकता व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। ये तो रांची से जो देवड़ी मंदिर उस बुंडू बस चलती है या अमन बस है, अमन बस का ड्राइवर का चेहरा साफ दिख रहा है वहां पर, जो बेरहमी से मार रहे हैं उस यात्रियों को कम भाड़ा देने को लेकर। इसी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, बुंडू और तमाड़ में देखा गया लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। ये वीडियो जिस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, हालांकि ये आज की घटना नहीं है, ये 1 अक्टूबर की घटना है, 1 तारीख को हुआ था। और वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, ये पता नहीं चल पाया है और अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन मतलब वो वीडियो वायरल होने के बाद ये बयां कर दिया है कि अब आम आदमी जो यात्रा करते हो, चाहे ट्रेन की बात कहा जाए या बस की बात कहा जाए, कहीं भी सफर करता हो, वो सुरक्षित नहीं है, वो बेवजह कहीं ना कहीं बेरहमी से पीटा जा सकता है। ये ड्राइवर को देखते हुए देखा गया कि इसमें और अपराधी में कोई अंतर नहीं है, जिस तरह उस यात्री को बेरहमी से पीटा जा रहा है। जी जितेंद्र, देखिये जिस तरह से पिटाई की गई है या यात्री की, अगर जो डेली अगर जाते हैं सफ़र करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए, हालांकि उनसे तो पूछा नहीं गया है, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन डरे समय तो ज़रूर है, लेकिन व्यवहार को लेकर अगर बात की जाए, कंडक्टर की हो, खलासी की हो, ड्राइवर की हो, ये व्यवहार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है और गुंडागर्दी की बात अक्सर सामने आती है, इसको लेकर भी यात्री दबी जुबान पर ज़रूर चर्चा करते होंगे। जी सही बात है कि वहाँ हर बस में नहीं होता ऐसा, कहीं ना कहीं ये अमन बस में ही देखा गया है। पिछले बार भी 1-2 साल पहले कई जो यात्री है उसके साथ भी बगझप होता है, लेकिन ये मारपीट नहीं होता है, हर बस वाला ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हर बस के लिए एक मिसाल कायम कर दिया ड्राइवर लोग कि हम लोग पैसा नहीं देने से किसी भी यात्री को पीटेंगे। ये हर ड्राइवर के लिए लागू हो गया ना, क्योंकि लोगों में जिस तरह वीडियो वायरल हुआ देखा गया है, मार रहा है, बेरहमी से मार रहा, हाथों से मार रहा, हाथ में क्या डंडा हो लोहा हो उससे मार रहा है, उसमें तो साफ तौर पर है कि आम जनता की सुरक्षित है नहीं, आम जनता के निगाहों में लग गया कि हो सकता है हर ड्राइवर ऐसे ही हो, इसके जैसा ही हो, जिस तरह पीट रहे हैं। हालांकि इसको देखते हुए जो बुंडू बस स्टैंड के ऑनर लोग हैं काफी गुस्साए हुए हैं और ये अमन बस की बात कहा जा रहा है, लोगों में चर्चा है कि अमन बस 4 या 5 चलता है, जय तो चलता होगा, लेकिन उस दिन से अमन बस अभी नहीं चल रहा है,
वो भी ड्राइवर डरा हुआ है, हो सकता है वो ड्राइवर पिया होगा या नहीं भी पिया होगा, लेकिन ये मारने की कोई वजह नहीं पूछ पाया गया। ये मारने का वजह एक ही हुआ है, उस व्यक्ति के पास कम भाड़ा था, इसको लेकर उसको पीटा गया, वो भी बेरहमी से। लेकिन उस व्यक्ति को कहाँ का है, उसको थाना पहुंच के ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज होना बहुत जरूरी है कि आगे किसी के साथ ऐसा घटना ना घटे। बिल्कुल, आप बातचीत के लिए जितेंद्र आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए किस तरह से वहाँ पर दहशत का माहौल बन गया, बस के अंदर दहशत का माहौल बन गया, महिलाएं भी थी। हम सीधे न्यूज़ रूम से संवाददाता काजल जुड़ चुकी हैं। काजल, लगातार बात करें तो उस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से महिलाएं भी डरी सहमी नजर आती हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी बस में यात्रा करते हैं, और जिस तरह से मारपीट हुई महिलाओं में भी दहशत देखा गया, डर देखा जा रहा है, साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है। जी अनिल, इस तरीके का जो नज़ारा है वो तो सिर्फ हम पहली दफा एक उदाहरण देख रहे हैं, और चूंकि ये उभर के सामने आया और एक उस व्यक्ति ने जिसने इस पूरे मामले का जो घटना घटी है उसका एक वीडियो बनाया जिसके बाद हम तक पहुंच पाया। हो सकता था अनिल कि ये जो पूरा मामला है उस वीडियो ना होता तो हम तक ये चीज़ आती ही नहीं। उस इंसान, वो जिसने मार खाया, जो पीड़ित था, वो उसकी बात, उसका दर्द, उसकी जो कलह है वो हम तक, कलह जो है वो हम तक आती ही नहीं। हो सकता है कि इस वीडियो के ना होने से शायद वो अमन बस का जो ड्राइवर है, जो भी कहें संचालक है, उसकी जो मनमानी है वो लोगों तक पहुंचती नहीं, और शायद आगे इन सारे हम आवाज़ उठाते ही नहीं और आगे इस तरीके का जो मामला है वो होता रहता। हो सकता था ऐसा, लेकिन चूंकि इस वीडियो को बनाया गया, लोगों तक पहुँचाया गया और ये वीडियो लोग देख रहे हैं, चूँकि अब लाइव सेवन ने इस पर आवाज़ उठाई है, लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही है लाइव सरर, पूरी कोशिश करेगी लाइव सेवन कि उस यात्री को इंसाफ मिल सके, क्योंकि हम भी इस बात के मोहताज हैं फिलहाल कि उस व्यक्ति, उस यात्री की पहचान हो जाए, ताकि उस वो अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाए, अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए, ताकि इस संचालक, इसे हम हैवानियत ही कहेंगे कि 20 रुपये के लिए किसी इंसान को इतनी बेरहमी से मार दे। बात करें अगर अनिल महिलाओं की, तो जैसा कि मैंने आपसे एक किस्सा शेयर किया अपना, मैं एक महिला थी लेकिन मेरे साथ भी जिस तरीके से बहस किया गया, वैसे ही कई बार ऐसा होता है हम बसों में देखते, जो लोकल बसें होती है, मान लीजिए बुंडू तमाड़ की बसें हो गई रांची से, या फिर ऐसे ही लोकल जो बसें होती हैं, इन बसों में जो काम करने वाली महिलाएं होती है, जो सब्जी भाजी बेचने वाली महिलाएं होती है, उनके साथ भी काफ़ी बुरे तरीके से पेश आते हैं ये कंडक्टर और ये ड्राइवर, वो भी जैसे लगता है कि वो उन्हें फ्री में पहुंचा रहे हैं। ये हमारी आंखों देखी अनिल की, लोग चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो सामान बेचने वाली हो, वो अपने भाड़े का जो हिस्सा होता है वो देके जाती है, बावजूद इसके उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है और देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस तरीके से बसों में सफर करने वाले सिर्फ हम जैसे लोग हैं। इन सारी चीजों पर अगर एक दिन प्रशासन की नजर पड़ जाए, एक दिन अगर ये DTO की नज़र पड़ जाए, तो शायद वो गरीब महिलाएं या फिर शायद ये यात्री जिसके साथ अमन बस का ये ड्राइवर इस तरीके से पेश आ रहा है, ये सारी घटनाएं ना हो। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए काजल आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से वीडियो आया है और वीडियो आने के बाद बुंडू बस एसोसिएशन की ओर से भी काफ़ी नाराज़गी जताई गई है, तमाम यात्री भी नाराज़ है, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है देखकर गुस्सा आ रहा है यात्रियों को, और वहां के लोकल जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको भी काफ़ी वीडियो देख के गुस्सा आ रहा है। लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी देखी गई बस संचालक की ओर से, इस तरह की कई ऐसे घटनाएँ आती हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बस संचालक है, ड्राइवर है, उसे गंतव्य स्थान तक न छोड़े, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। देखिए, ये वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि ये दोपहर की घटना होगी, सुबह की घटना होगी, लेकिन सोचिए कि अगर 20 रुपये के कारण अगर रात में कोई सफ़र कर रहा हो, उस यात्री के पास अगर 20 रुपया ना हो, तो इस तरह से अगर वो मारपीट करते हैं बस संचालक, और रात के अंधेरे में कहीं जंगल में उसे घसीट के छोड़ देते हैं कि तुम इस बस में नहीं जा सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं ले जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी बस संचालक है, कम से कम अपने स्टाफ को अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए कि व्यवहार किस तरह से यात्रियों को करें, क्योंकि यही यात्री
आपके घर परिवार को चलाते हैं, यही यात्री आपको पैसे देते हैं, गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं और बदले में पैसे देते हैं। कुछ यात्रियों के साथ कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है, लेकिन मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। अब तस्वीरें देखकर अब पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है और वो कौन व्यक्ति है जो सामने आकर इस पूरे मामले को सामने लाए, मामला दर्ज करे, और वैसे लोग, वैसे संचालक, वैसे ड्राइवर, वैसे स्टाफ अगर कोई हैं बस में, बस के स्टाफ जिस तरह से किया, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरे मामले का खुलासा होता है और पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।